शंख चक्र गदाधारी श्री मथुराधीश प्रभु करुण ग्राम नदी कूलात् स्वयं प्रादुर्बभूव यः पद्मनाभ मनः कामं पुदयिता तनुरूपधृत् पातु नो संख्यान जीवान केवलं कृपया तया। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। अद्भुत लीला करने वाले श्री कृष्ण ही नाम रूप के भेद से जगत में क्रीड़ा कर रहे हैं, अतः जगत में चल रही प्रत्येक घटना उनकी इच्छा अनुसार ही घट रही है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में घटती घटनाएं कभी अच्छी होती हैं तो कभी बुरी, परंतु जीव अपने प्रत्येक क्रियाओं का अवसान सुख में ही चाहता है। प्राणी मात्र सुख का ही आकांक्षी है, किंतु सुख और दुख की परिभाषा हर एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से अलग अलग होती है। स्वानुकूल ही सुख है, स्वविपरीत ही दुख है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। यह वर्तमान समय मानव मात्र के विपरीत चल रहा है। जहां विपरीत परिस्थितियों का सर्जन होता है वही दुख प्रकट होता है। कुछ विपरीत परिस्थितियों को हम अपने कर्मानुसार अपने अनुकूल कर सकते हैं, किंतु कुछ परिस्थितियां मानव के हाथ में नहीं है। जब परिस्थितियां मनुष्य के हाथ से निकलने लगती है तब उसका सत्व गुण कमजोर पड़ जाता है, तमोगुण उस पर हावी हो जाता है, मानसिक व्यग्रता एक घनघोर परिस्थिति उत्पन्न कर देती है। कोरोना विषाणु की वजह से सभी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानी आई है, परंतु जिनका सात्विक चिंतन है, जिनका धर्ममय आचरण है, जिनका वैष्णवी जीवन है, ऐसे वैष्णव जनों ने इस परिस्थितियों को आध्यात्मिक दृष्टि से देखा है। बार बार महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य की शिक्षा उनके काम आई है कि चिंता कापि न कार्या निवेदितात्म भी कदापीति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंतां द्रुतं त्यजेत सर्वं समर्पितं भक्त्या कृतार्थोसि सुखी भव विवेकस्तु हरिः निजे छात्र करिष्यति त्रिदुःखं सहनं धैर्यं आमृतेः सर्वतः सदा कृष्ण एव गतिर्भव। जिनके हृदय में यह वल्लभ की वाणी गूंज रही थी उन्हें परिस्थिति विपरीत होते हुए भी मानसिक शांति थी, क्योंकि धर्म देह के साथ साथ मन से अधिक जुड़ा हुआ होता है। मैं आशा करता हूं कि आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भगवद आश्रय इस कोरोना काल में बड़ा ही होगा, क्योंकि सर्वत्र नकारात्मक ऊर्जा के प्रसार से भौतिक स्थिति विपरीत लग रही है, एवं इस कोरोना काल के साथ ग्रहण काल भी आ रहा है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण धार्मिक लोगों के लिए विपरीत घटना का प्रकार है, अर्थात ग्रहण काल में सर्वत्र एक नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त हो जाती है। इस नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए हम शास्त्रीय विधानों का आश्रय लेते हैं। एक तो पहले से ही कोरोना विषाणु ने नकारात्मकता फैला रखी है, ऐसे समय में ग्रहण का आना और अधिक नकारात्मकता को कहीं प्रबल ना कर दे। जिस प्रकार आजकल चिकित्सक कह रहे हैं अगर कोरोना से बचना है तो अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि करें, और यह तो सभी को मालूम है कि इम्यूनिटी मन के प्रसन्न रहने पर बढ़ती है और प्रसन्नता सकारात्मक सोच से ही आती है। आधुनिक समय में लोग सकारात्मक ऊर्जा के लिए पॉजिटिव थिंकिंग पर बहुत जोर देते हैं। सकारात्मक विचारों का संबंध सीधे मन से है, शरीर से नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग के इस विषय पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, लोगों ने अनेक पुस्तकों को पढ़ा भी होगा, परंतु वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ पाई। यह बड़े दुख की बात है कि हमें आधुनिक पुस्तकों पर ज्यादा विश्वास है। हमने अपनी प्राचीन धरोहर श्रीमद् भगवद गीता पर कभी ध्यान नहीं दिया कि किस प्रकार अर्जुन के नकारात्मक विचारों को भगवान श्री कृष्ण ने सकारात्मक विचारों में परिवर्तित कर दिया। हम आधुनिकता में इतने खो गए हैं कि लोग पश्चिम के विचारकों की पुस्तकों को तो पढ़ेंगे परंतु भगवद गीता को हाथ नहीं लगाएंगे। आजकल हमें धार्मिक आचरण अप्रासंगिक लगते हैं
बहुत पुरानी सोच लगती है। वर्तमान में हमारे सुख का साधन आधुनिक विज्ञान और उसके आविष्कार बन गए हैं, इसलिए हम धर्म को भी विज्ञान के तराजू में तोलते हैं, ईश्वर को भी वैज्ञानिक तर्क कुतर्कों द्वारा प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के विषय में भी कुछ लोगों का यही मानना है कि ग्रहण तो मात्र एक खगोलीय घटना है जो निरंतर समय के अंतराल पर स्वयं घटती है। हमने अपने मूल धर्म को विस्मृत कर दिया है, इसलिए ऐसे विचार आते हैं। विज्ञान के विकास ने हमारी आध्यात्मिक बुद्धि के विकास को रोक दिया है। विज्ञान का कोई अंतिम सिद्धांत नहीं है, यह एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। आज तो आधुनिक विज्ञान के नियम हैं, हो सकता है कि कल वो बदल जाए, परंतु धार्मिक नियम शाश्वत हैं, जो बदलते नहीं हैं, क्योंकि धार्मिक ज्ञान की यात्रा अंतर्मुखी है और आधुनिक विज्ञान की यात्रा बाह्य विकास की है, किंतु प्रकृति के विनाश के साथ। वर्तमान में कोरोना विषाणु प्रकृति के विरुद्ध विनाशक विचारों का नतीजा है। एक छोटे से विषाणु ने समस्त जगत को हरा दिया है, एक छोटे से विषाणु से विज्ञान भी पराजित हो गया है। मेरा यह सब कहने का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि हम आधुनिक विज्ञान को माने ही नहीं। मेरा मानना यह है कि हम विज्ञान के साथ साथ वैदिक शाश्वत ज्ञान को भी जीवन का अंग बनाएं। वैदिक ज्ञान हमारे सबके जीवन का मुख्य अंग बने जो पहले था। विज्ञान की पहुंच शरीर तक सीमित है और वैदिक ज्ञान की पहुंच मन और आत्मा से लेकर परमात्मा तक। अगर हमें मन को प्रसन्न करना है और मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करनी है तो वैदिक धर्म की शरण में आना ही होगा। हमें शास्त्रों के प्राचीन ज्ञान द्वारा ग्रहण जैसी घटनाओं का तात्पर्य जानना होगा कि इन घटनाओं का क्या संकेत है। अतः आगामी ग्रहण का वैदिक धर्मानुसार शास्त्रीय क्रम हमने अपनी व्रतोत्सव की टिप्पणी में पृष्ठ क्रमांक 37, 38 और 39 पर दिया है। उस वैदिक क्रम के साथ हम अपना पुष्टि मार्ग भावात्मक क्रम का भी आचरण करें। भगवत सन्मुख कीर्तनादि द्वारा ग्रहण के विषय में टिप्पणी जी में विस्तार से लिख दिया है, इसलिए यहाँ विस्तार से नहीं कह रहा हूं। ग्रहण में वैदिक क्रम के साथ साथ सांप्रदायिक क्रम करते हुए मान एवं महात्म्य आदि के कीर्तन द्वारा हम ग्रहण के इस काल को भी भक्तिमय बना दें। भगवत कीर्तन आदि के द्वारा अपने मन को प्रसन्न रखें। वैदिक क्रम दान आदि के द्वारा एक परोपकार की भावना अपने मन में प्रकट करें। कोरोना काल ने हमें यह शिक्षा दी है कि हम पुनः अपने मूल वैदिक सांप्रदायिक धर्मों से दृढ़तया जुड़ें। कोरोना एवं ग्रहण के इस द्विगणित नकारात्मक ऊर्जा को हम शास्त्रीय सदाचरण से एवं श्री वल्लभ वाणी द्वारा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर दें। तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंतां द्रुतं त्यजेत। तुरंत समस्त चिंताओं का परित्याग करते हुए अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धि विधीयताम। प्रभु में ब्रह्मवाद अर्थात सब कुछ यह प्रभु की लीला ही है, इस भाव से अपने मन को सदा प्रसन्न रखें। ग्रहण काल में अधिक से अधिक भगवत नाम हृदय में ग्रहण करें। कृष्ण नाम परम पुण्यम, कृष्ण नाम परम फलम, कृष्ण नाम परो धर्मः, कृष्ण नाम परम तपः, कृष्ण एव गतिर्मम किम अधिकम।